हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे पास है भोलेनाथ की 12 शिवलिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहली ज्योतिर्लिंग जो है हमारे पास है यहाँ पर सोमनाथ की, और इसको हमने बनाया है सुपर क्ले से। और यहाँ पर जो इसका जो बेस देख रहे हो, इसको मैंने कलर किया है गोल्डन कलर से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है मल्लिकार्जुन की ये वाली शिवलिंग, तो देख सकते हो ये भी सुपर क्ले से बनी हुई है। और इनका जो नाग है वो शेष नाग, उसका कलर जो है मैंने गोल्डन कलर से किया हुआ है, और यहाँ पर बेस में ब्लैक कलर किया है। और फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है ये शिव जी की महाकाल वाली ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन के महाकाल की है। और ये वाला जो देख सकते हो नग मैंने यहाँ पर लगाया है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास शिवलिंग है वो है ये वाली शिवलिंग, जो कि है ओमकारेश्वर शिवलिंग, और इसे भी मैंने सुपर क्ले से बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो क्ले आर्ट हैं, आइडल हैं, आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगली जो यहाँ पर शिवलिंग है वो है घृष्णेश्वर महादेव की शिवलिंग, तो देख सकते हो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें मैंने कार्डबोर्ड और क्ले का दोनों का यूज़ किया है। इसका ट्यूटोरियल वीडियो और स्टोरी टेलिंग का वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, जो कि शॉर्ट फीड में मिल जाएगा ईजिली। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है रामेश्वरम की ये वाली शिवलिंग, तो देखो काफ़ी मस्त बनी है। और इसमें जो मैंने जो शेषनाग में यहाँ पर कलर किया है वो है गोल्डन कलर, तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है बताना ज़रूर, क्योंकि मैं इसे दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी का भी आप बता देना कि कैसी दिख रही है। और फिर यहाँ पर है हमारे पास अमरनाथ की ये वाली शिवलिंग, तो देख सकते हो, तो इसे भी मैंने सुपर क्ले से बनाया है। और नीचे बेस के लिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। इसका भी आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, तो आप जा कर के देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि रावण अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन गणपति बप्पा ने हमारे इसे इस शिवलिंग को रावण को ले जाने नहीं दिए। और इसकी पूरी स्टोरी मैंने अपने जो है वीडियो में बताया हूँ, तो आप जा कर के देख सकते हो कैसी लग रही है ये वाली शिवलिंग, ज़रूर बताना। और फिर ये वाली हमारी शिवलिंग जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसमें जो कलर किया वो मैंने एकदम सिल्वर कलर और मार्बल टच देने के लिए यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर किया हूँ, तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये वाली जो शिवलिंग थी वो काफ़ी सिंपल थी, लेकिन मैंने बनाया हूँ इसे सुपर क्ले से। और फिर ये वाली हमारे पास है भीमा शंकर की शिवलिंग, जो कि भीम ने स्थापित किया था, तो ये वाली शिवलिंग देख सकते हो, तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें भी मैंने सिल्वर कलर का और सुपर क्ले का यूज़ किया हूँ। और नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मैंने सुपर क्ले से ही बनाया हूँ, और नीचे कार्डबोर्ड का यूज़ करके मैंने इसे बनाया है, तो कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक देखो हमारी 11 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो और ये शिवलिंग आपको कितनी पसंद आई। और यहाँ पर हमारे पास है ये कार्डबोर्ड बस से बनी हुई यहाँ पर काशी विश्वनाथ की शिवलिंग, जो कि है इतना पूरा जो एरिया बाहर का है वो है कार्डबोर्ड का, और जो अंदर हमने शिवलिंग बनाया है वो है सुपर क्ले से, तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सेट पूरा लेना चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, और आप इसे परचेस कर सकते हो। जो भी डिटेल्स है आपको मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, और मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्ले आइडल भी दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया हूँ आदिशक्ति, यहाँ पर महादेव और पार्वती जी, और यहाँ पर मैंने बनाया हूँ यहाँ पर बाहुबली के स्टाइल में गणपति बप्पा और शिव जी, तो कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 12 ज्योतिर्लिंग का क्ले आइडल कलेक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो वो भी आप एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।